रूस की जनसंख्या 2021 में 1 मिलियन कम हो गई और ये रूस के लिए बहुत चिंता की बात है। रूस की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। रूस की सरकार को अब ये चिंता हो रही है कि देश में लोगों की संख्या ऐसे ही कम होती गई तो देश तो चल ही नहीं पाएगा। आर्मी में, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में लोग कहाँ से आएंगे काम करने के लिए? रूस की जनसंख्या इतनी तेज़ी से कम क्यों हो रही है? तो 2021 में कोरोना के कारण 6 लाख से ज़्यादा लोग रूस में मारे गए और रूस की बर्थ रेट पर वोमेन भी काफ़ी कम है। अगर आप चाहते हैं किसी देश में जनसंख्या जितनी है उतनी ही बनी रहे, ना ही बढ़े ना ही कम हो, तो उस देश में बर्थ रेट पर वोमेन 2.1 होना चाहिए। अगर किसी देश में 2.1 से ज़्यादा रेट होगा तो उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे भारत में 2.2 है। और अगर ये रेट 2.1 से कम हो गए तो जनसंख्या कम होने लगेगी। अभी के लिए रूस में बर्थ रेट पर वोमेन 1.5 है, इसलिए रूस की जनसंख्या कम हो रही है। रूस की एवरेज लोगों की एज 40 के ऊपर है, तो रूस में यंग लोगों की भी काफ़ी कमी है। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ से कुछ लोगों को रूस बुला लो, अमेरिका, यूके, यूरोप, ये सब देश भी तो यही करते हैं, तो रसिया भी इंडिया, चाइना से कुछ लोगों को बुला सकता है। देखिए ये इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने रूस को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया है कि वहाँ कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है, लाइफस्टाइल भी उतनी अच्छी नहीं है। लोग अमेरिका, यूरोप क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जॉब्स मिल जाती है बड़ी बड़ी कंपनी से, लाइफस्टाइल अच्छी है। लेकिन रूस के साथ तो ऐसा नहीं है, रूस में तो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, एप्पल, सैमसंग, ये सब ऐसी तो कई कंपनी नहीं है रूस में। अब ऐसा तो नहीं है कि अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए रूस किसी को भी देश में बुला ले। रूस भी चाहेगा कि पढ़ा लिखा लोग उनके देश आए। अब पढ़े लिखे लोग उनके देश क्यों जाएंगे, वहाँ जॉब्स नहीं मिलेगा तो? रूस अभी हो सकता है जो लोग शादी नहीं करते, बच्चे पैदा नहीं करते, उन पर कुछ टैक्स लगा दे। ये कोई नई बात नहीं है, USSR में ऐसा टैक्स होता था, हो सकता है ये दोबारा टैक्स लगा दे। पर व्लादिमीर पुतिन जो इशारा दे रहे हैं उसके अनुसार वे देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए USSR को वापस बनाएंगे। रसिया के लिए अब जनसंख्या बढ़ाने का सबसे अच्छा यही उपाय है कि वे यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान और जितने भी देश है जो USSR से अलग हुए उनका वापस रसिया में मिला ले। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अभी नज़र बनाए हुए हैं। यूक्रेन को रसिया में मिलाकर यूक्रेन की 4,40,00,000 जनसंख्या रसिया में मिल जाएगी और इससे रसिया की जनसंख्या वैसे ही बढ़ जाएगी। 4,40,00,000 बहुत है। व्लादिमीर पुतिन बोल भी चुके हैं 14 करोड़ की जनसंख्या काफ़ी नहीं है देश चलाने के लिए। इशारा कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन कि USSR को वे वापस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।